ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। रात के 12:30 बजे छूटता था। और वो 1:40 की लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ता था। टाइम गुजरने के लिए वो हर रोज कॉलेज के बाजू में एक सीपिस था, वहां जाके पढ़ाई करता था। क्योंकि वहां कोई नहीं आता, बड़ी सुनसान सी जगह थी। ज्यादातर नील का टाइम अकेले ही गुजरता था। वो तो अपने कॉलेज के बुक्स पढ़ता या फिर नोटबुक्स में कुछ लिखता रहता। एक दिन सीपेस पे उसके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की उससे जरा दूर बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत ही लंबे थे और चेहरे पे छाए हुए थे, इसीलिए नील उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो लड़की नील को ही देख रही थी। नील ने पहले उस पे ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो नील को ही देख रही थी। नील कोशिश कर रहा था कि उस पे ध्यान न दे, लेकिन न चाहते हुए भी उसका ध्यान उसी की ओर जा रहा था। आखिर नील ने अपना ध्यान उससे हटाया और अपने बुक्स पढ़ने लगा। हाय। मेरा नाम मारिया है, मैं यही बाजू में रहती हूँ। आपका नाम क्या है? नील एकदम से उसे देख के घबरा गया। उस लड़की के चेहरे का रंग एकदम सफेद था और उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और हरी थी और वो नील को देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। नील को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नील ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन दोनों में बातचीत चालू हो गई। उसे अपने बारे में बताया, उनकी और बातचीत होने लगी। तो नील ने उससे पूछा, तुम यहां इस वक्त कैसे आई? तो उसने कहा कि नील को उसने इस जगह कई बार देखा है और आज उसे देख के यहां आई है। तो नील ने कहा, मैं तो यहां हर रोज आता हूं, लेकिन आज तक मैंने यहां तुम्हें और किसी और को नहीं देखा। क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे एक अफवाह फैली हुई है कि यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ के सब लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए लोग यहाँ आना अवॉइड करते हैं। तो मैं तुम्हें ये बात बताने आई हूँ। किसी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? कमाल है, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। क्या तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये आवाज, ये डरावनी आवाज, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये वाली आवाज शायद नीचे से आ रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।